नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई एक और काफ़ी शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश बिजली विभाग भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों फाइनली मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया, जो कि दोस्तों आप चाहे मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी जिले या फिर गांव से निवास करते हो, प्रत्येक मेल एवं फेल बोथ उम्मीदवार इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा को कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल ही सीधी भर्ती के आधार पर इसमें आप सभी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपका कोई भी आवेदन शुल्क भी नहीं लगने वाला है, आप सभी बिल्कुल ही निःशुल्क इस भर्ती हेतु अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी इस वैकेंसी के इच्छुक हैं एवं अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई बिजली विभाग न्यू भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे, जो कि दोस्तों यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक करके संपूर्ण जानकारियों को पूरा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि अब हम सबसे पहले इस भर्ती के ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि विभाग की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें MPPGCL यानी कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा इस न्यू एवं लेटेस्ट वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है, जिसमें आप सभी के लिए अप्रेंटिसशिप के विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए विद्युतकार, फिटर, डीजल मैकेनिक और वेल्डर जैसे विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसमें आप सभी के लिए विद्युतकार के 6 पद देखने के लिए मिल जाएंगे, फिटर के 2 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, डीजल मैकेनिक का 1 पद देखने के लिए मिल जाएगा और वेल्डर का भी आप सभी के लिए 1 पद देखने के लिए मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिजली विभाग न्यू भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुल मिलाकर 10 पदों पर रिलीज किया गया है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया को ऑलरेडी ही प्रारंभ किया जा चुका है और आप सभी 18/7/2024 यानी कि 18 जुलाई 2024 तक इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो यदि अब हम इसके पश्चात इस भर्ती की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो आप सभी के लिए बताते यदि आप सभी ने शासकीय और अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से NCVT या फिर SCVT से ITI उत्तीर्ण किया हुआ है, तो आप सभी इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और सभी पात्रता मानदंड यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की संपूर्ण जानकारी को आप सभी यहां से प्राप्त कर सकते होंगे। दोस्तों इसके अलावा आयु सीमा की बात करें, तो आप सभी यहां पर देख ही सकते होंगे इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा आप सभी के लिए 27 वर्ष देखने के लिए मिलने वाली है, जिसमें आप सभी को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी का सिलेक्शन बिल्कुल ही सीधी भर्ती के आधार पर होने वाला है, जिसमें आप सभी को कोई भी रिटर्न एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के ITI के मार्क्सों के आधार पर पहले सूची तैयार की जाएगी, उसके पश्चात आपका सिलेक्शन होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए वेतन भी काफ़ी अच्छा खासा प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आपने 1 वर्ष का कोर्स ITI में किया हुआ है, तो आप सभी के लिए 7,700 प्रति माह का वेतन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा यदि आपने 2 वर्षीय कोर्स किया हुआ है, तो आप सभी के लिए पर मंथ 8,000 रुपये का वेतन मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप सभी को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक है। दोस्तों यदि आप सभी इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी ध्यान रखना आवश्यक है, जो कि आप सभी यहाँ से संपूर्ण जानकारियों को पूरा पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों तो यदि आप भी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई विद्युत विभाग न्यू भर्ती 2024 हेतु अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने की प्रोसेस को पूर्ण रूप से ही ऑफलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित किया गया है, जो कि दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपका कोई भी आवेदन शुल्क लगने वाला नहीं है। आप सभी बिल्कुल फ्री में इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप सभी को
नीचे दी गई इस आधिकारिक वेबसाइट पर यानी कि www.apprenticeship.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने के पश्चात सबसे पहले आप सभी को नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके पश्चात आप सभी के लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के पश्चात आप सभी के लिए इस फॉर्म में मांगे एक एक करके सभी जानकारियों को यहाँ पर ध्यानपूर्वक दर्ज करना है और सभी आवश्यक दस्तावेजों को इस एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच कर लेना है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख ही सकते होंगे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। इन सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को आप सभी के लिए इस फॉर्म में अटैच कर लेना है। दोस्तों सभी जानकारियों को दर्ज करने के पश्चात और आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करने के पश्चात आप सभी के लिए डाक के माध्यम से या फिर आप स्वयं भी जाकर इस पते पर रानी अवंती बाई सागर जल विद्युत गृह बर्गी नगर जबलपुर के द्वारा यहाँ पर आप सभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर देना है। तो इस प्रकार से आपका इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन सफलतापूर्वक ही कम्प्लीट हो जाएगा।